नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में जो बाहर से अच्छा अच्छा दिखाई पड़ रहा है वैसा है नहीं, वास्तविकता इससे कुछ अलग है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक भूचाल आने वाला है और ये भूचाल नेतृत्व को लेकर आने वाला है। क्योंकि अब नेतृत्व लेने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए समस्याएं जो बढ़ रही है कांग्रेस के अंदर, एक होड़ पैदा हो गया है कि आखिरकार कब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे चमकाने के नीति पर हम लोग काम करते रहेंगे। चुनाव के समय जब स्टेट में चुनाव होता है तो उस समय लीडरशिप का अभाव हो जाता है, और जिस तरह से हर स्टेट में गांधी परिवार के कुछ व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही वहां का कमान संभाले नजर आते हैं, इससे पार्टी की समस्याएँ तो बढ़ी रही है और क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनकी अपनी भी समस्या बढ़ रही है। वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम उनका चेहरा भी प्रोमिनेंटली दिखाया जाए, उनके पास भी कुछ मुद्दे हो, और वो मुद्दा जो केंद्रीय नेतृत्व से, यहाँ मतलब दिल्ली से जाकर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कब्जा लेते हैं, वो मुद्दा उनके पास होना चाहिए, उनके अंदर में होना चाहिए। और ये समस्याएँ धीरे धीरे कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, यानी कि गांधी परिवार के खिलाफ एक अनकहा सा, अभी तक सामने में तो कोई नहीं आया है, लेकिन एक अंदर खाने से एक चल रहा है ऐसा कुछ कांग्रेस के अंदर, जिससे कांग्रेस के नेता इस बात पर सोचने लगे हैं कि कब तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही काम करते रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व क्यों नहीं हो सकता है? ये अगर अलग अलग स्टेट, जो एक स्टेट की बात नहीं है, कई स्टेट में ऐसी सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन अभी मीडिया में एक खबर नहीं आई है। अंदर जो कांग्रेस के अंदर के कुछ सूत्र हैं ये बताते हैं कि किस तरह से कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये समस्या बढ़ रही है कांग्रेस के अंदर। अब कर्नाटक की बात सबसे पहले करते हैं कि वहाँ पर कर्नाटक में कुछ समय पहले ही JDS और कांग्रेस की सरकार गिरी है। ये सरकार गिरने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही था कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए JDS के कमान में ये पूरी तरह से कांग्रेस को दे दिए थे। इससे के कारण वहाँ कांग्रेस के अंदर एक बगावत शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो सामने आया वो सबके लिए, सबके सामने है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब फिर से ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप के अंदर ये बातें चलने लगी है कि अब स्टेट में जो चेहरा हो यहाँ का हो, और इसके लिए तैयारी की जानी चाहिए। DK शिवकुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने एक प्लान भेजा कि वो चाहते हैं कि ये पद यात्रा करें। माइग्रेटिंग लेबर जो है, जो समस्याएं वर्कर्स की हो रही है, या फिर लॉकडाउन के समय जो समस्या से ग्रस्त लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग जिनके पास खाना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनकी समस्याएं क्या है, इस चीज़ों को जानने के लिए जाना पड़ेगा लोगों के पास, और उसके लिए पदयात्रा करनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में जाके कांग्रेस के नेता ये पता करेंगे, और उसमें DK शिवकुमार ने अपनी प्लानिंग दी थी, और इसके बाद ये प्रपोजल केंद्र के पास आया, केंद्रीय नेतृत्व के पास आया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आया। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात से नाराज हैं कि आखिर DK शिवकुमार अपने लेवल पर इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं। स्टेट में कांग्रेस को अगर पद यात्रा करवाना है तो वहां पर राहुल गांधी को भेजना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस बीच कुछ जो माइग्रेटेड लेबर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनसे मिलते दिखाई पड़े हैं, और कांग्रेस को या फिर गांधी परिवार को बेसिकली ये लगता है कि राहुल गांधी का ये फोटो जो आया मीडिया में आया, उसके बाद सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चली है, उससे राहुल की छवि थोड़ी सी अच्छी हुई है। तो इस तरह का अगर प्रपोजल आया है कर्नाटक से, तो उसमें राहुल गांधी को शामिल होना चाहिए था, और राहुल गांधी को वहाँ पर घूमने के लिए बुलाया जाना चाहिए था, ताकि किसी तरह से राहुल गांधी कर्नाटक की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का चेहरा बिके, न कि किसी दूसरे क्षेत्रीय नेता का चेहरा बिके। DK शिवकुमार का गुट इस बात से परेशान है, और स्टेट के अंदर भी राहुल गांधी के कुछ समर्थक, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के समर्थक, यानी गांधी परिवार का जो गुट है, उसके अलावा जो दूसरा गुट है, DK शिवकुमार जैसे नेता हैं वहाँ पर, वो लोग
उनसे नाराजगी बढ़ रही है। दोनों आपस में बिल्कुल भिड़े हुए हैं इस बात को लेके कि कर्नाटक का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, यानी स्टेट लेवल का नेतृत्व स्टेट के नेता के पास होना चाहिए या फिर गांधी परिवार के ही कुछ लोग, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही हर जगह जाके अपना चेहरा चमकाएं। तो कर्नाटक के साथ साथ ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद से, प्रियंका गांधी अति सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का कमान सौंप दिया गया है, उनको महासचिव बनाया गया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश का मामला वही देख रही हैं। और लॉकडाउन के समय भी जब उत्तर प्रदेश के राजनीति में बदलाव हो रहा था, तो अगर सरकार के ऊपर हमला करना था तो प्रियंका गांधी का चेहरा सामने लाया गया, यानी प्रियंका गांधी ही, चाहे बस का मुद्दा हो, फिर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, या योगी सरकार के कुछ नीतियों की आलोचना करनी हो, हर जगह पर प्रियंका गांधी नजर आती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो उनको उनका प्रेजेंस ही नहीं होता है। इसके अलावा जो स्टेट के दूसरे नेता हैं वो भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है जितिन प्रसाद का, लेकिन आप मीडिया में उनको देखते नहीं होंगे क्योंकि गांधी परिवार उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। गांधी परिवार का मानना है कि जितिन प्रसाद उस तरह से लॉयल नहीं है जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ दिया। उसी तरह पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से, जब कश्मीर का मुद्दा उठा था उस समय से ही जितिन प्रसाद ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो गई। कांग्रेस का मतलब, यहाँ जब कांग्रेस बोला जाता है तो इसका मतलब गांधी परिवार से होता है, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस अलग अलग नहीं है। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस। तो राहुल गांधी के जो कुछ स्टेटमेंट थे कश्मीर को लेके, कांग्रेस की जो नीति थी उसकी आलोचना उन्होंने की थी, और उसके बाद से वो धीरे धीरे अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं और इस बीच भी कहीं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी हाईलाइट नहीं किया जाता है। हर मुद्दे को प्रियंका गांधी हड़पने की कोशिश करती है, यानी कि वहाँ का चेहरा वही होती है। दूसरी तरफ वहाँ के जो दूसरे नेता हैं, जैसे अभी अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के इस बस पॉलिटिक्स का विरोध किया और विरोध करने के बाद उनको निलंबित कर दिया गया। विरोध करने का क्या मतलब होता है? अगर ये बार बार जब कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में और पार्टी के अंदर जब डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर विरोधी स्वर को भी निकलने दिया जाना चाहिए, उसकी भी एक अहमियत होती है। अगर कोई आलोचना करता है तो उस आलोचना का भी एक मायने होता है, उसको शांत करने के लिए उसके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जब गांधी परिवार के किसी सदस्य की आलोचना की जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, और अदिति सिंह के साथ ऐसा ही हुआ, उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। अदिति सिंह अकेली नहीं है, उनके साथ और कई कांग्रेस के नेता हैं जो इस मोड में हैं कि कभी भी कांग्रेस वहां पर टूट सकती है और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। अगर केरल की बात करें, जहां पर केरल में अभी कांग्रेस का आधार ठीक ठाक है और राहुल गांधी इसीलिए अपने परंपरागत सीट के अलावा केरल से चुनाव लड़ने के लिए गए लोकसभा में, इसलिए कि उनको भरोसा था कि अगर अमेठी से हार जाएंगे तो कम से कम केरल से जीत जाएंगे, और इसलिए केरल की राजनीति में ये जो राहुल गांधी हैं वो सक्रिय ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी ने केरल के बारे में बोला उससे केरल का लीडरशिप भी नाराज है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी केरल के जो पिनरई विजयन की सरकार है, वामपंथी सरकार है, उसका मतलब सराहना करते नजर आ रहे हैं कि वहाँ का मॉडल अपनाना चाहिए कि किस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण में भी केरल सरकार ने उसको टैकल किया, किस तरह से व्यवस्था को पटरी पर लाया, और इसलिए उस मॉडल को दूसरे जगह पर अपनाया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेसी सरकार जो है दूसरे प्रदेशों में, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी कोरोना वायरस का संक्रमण से जो निपटने के लिए तैयारी थी उसकी उन्होंने कभी सराहना नहीं की। इसको लेकर पंजाब और राजस्थान के जो कांग्रेसी नेता हैं वो तो नाराज हैं ही, दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो केरल के लिए बना हुआ है। केरल में जो गांधी परिवार के नज़दीकी व्यक्ति हैं ए के एंटोनी,
उनके बारे में ये जो एक तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन चला रखा है और उसके लिए कांग्रेस के वहाँ के जो नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, सीपीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये इस तरह से एक डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना कांग्रेस को लेकर वहाँ पर हुई, जब एक चेक पोस्ट के ऊपर कांग्रेस के कुछ नेता गए वहाँ से मजदूरों से मिलने के लिए, तो वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को क्वारंटाइन में डाल दिया गया, यानी कि इनको कहा गया कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिन्हें कोरोना वायरस होने संक्रमण होने का खतरा है, शक है उनके ऊपर। और इसके कारण 5 नेताओं को, बड़े नेताओं को, इसमें से 3 सांसद हैं और 2 विधायक हैं, इन लोगों को क्वारंटाइन में रख दिया गया, जिसके कारण भी कांग्रेस वहाँ पर सीपीएम के ऊपर हमला कर रही है। सिर्फ उनका कहना है कि यहाँ पर विरोधियों के आवाज़ को दबाया जा रहा है, सीपीएम सरकार कोई भी सच्ची चीज़ें, सही चीज़ें बाहर आने देना नहीं चाहती है और इसलिए कांग्रेस नेताओं को क्वारंटाइन में डाल दे रही है, ताकि कांग्रेस के नेता न बाहर निकले, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, न कुछ संदेश दे सकें और न लोगों से मिलके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। तो ये कांग्रेस का जो केरल में है वहाँ का स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के केरल में सीपीएम वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, और जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी सीपीएम के मॉडल की सराहना कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों में भी है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो सबके सामने है। महाराष्ट्र में भी जो राहुल गांधी के नज़दीकी व्यक्ति हैं बाला साहब थोराट, उनके खिलाफ एक सुगबुगाहट चलने लगी है, कांग्रेस के नेतृत्व में आपसी में घमासान मचा हुआ है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ हैं जो अलग थलग पड़े हुए हैं, और ये जो कांग्रेस के नेता हैं यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो बाला साहब थोराट को सबसे ऊपर बिठा के रखे हुए हैं, इसके कारण भी वहाँ नाराज़गी है। और राहुल, प्रियंका जैसे नेताएँ जो गांधी परिवार के नेता हैं, उनके प्रति वहाँ जो नाराज़गी है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और दूसरे स्टेट में भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर साउथ और नॉर्थ के दूसरे स्टेट हो, हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें मौका दिया नहीं जा रहा है। हर मौके पर ये लोग जो भी बड़ा मौका है उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, और क्षेत्रीय लीडरशिप है उसको अब बढ़ावा देने से गुरेज कर रहे हैं। इनको लगने लगा है मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तोड़फोड़ मचा दिया, कांग्रेस की सरकार गिरा दी, उसी तरह अलग अलग राज्यों में अगर क्षेत्रीय नेतृत्व को उभारा जाएगा तो हर जगह कांग्रेस के कभी न कभी नाराज नेता कांग्रेस को तोड़ देंगे, और इस डर से क्षेत्रीय नेतृत्व को उभरने ही नहीं दिया जा रहा है, और इस बात को लेके कांग्रेस के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी पूरे गांधी परिवार के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन रहा है, वो कभी भी उसका विस्फोट हो सकता है और कांग्रेस के अंदर भूचाल आएगा, और इस बार जो भूचाल आएगा वो किसी एक स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि कई स्टेट के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक बड़ा फूट कांग्रेस के अंदर होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।